गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। द वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ सिस्टम के अवसर पर हम कुछ चर्चा करना चाहेंगे और लोगों को जागरूक करना चाहेंगे। GIT यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसको हम हिंदी में पाचन तंत्र भी कहते हैं और साथ में गट भी कहते हैं। गट यानी GI ट्रैक्ट एक ऐसा सिस्टम है, बॉडी का सबसे बड़ा सिस्टम है। यहाँ पर सारे जब भी हम लोग खाते हैं पीते हैं उसको पाचन करके शरीर को लाभदायक चीजें प्राप्त हो जाती हैं। वहीं पे कई बार ऐसी होती है, बहुत सारी बीमारियां होती है जिसको हम जनरली इग्नोर कर देते हैं। उसमें से प्रमुखता जो 30% के आसपास जो बीमारी होती है वो कॉन्स्टिपेशन को होता है। एसिडिटी हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां और भी क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बहुत सारी बीमारियां GI ट्रैक से शुरुआत होती है। किसी ग्रीक हिपोक्रेट्स ने किसी बहुत पहले कहे थे कि ज्यादातर बीमारियों की जड़ पेट से ही शुरू होती है। तो इस बीमारी में हम जो बीमारियां होती हैं उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसको कैसे हम जान सकते हैं, कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। कुछ तो चिकित्सक के द्वारा डायग्नोस किया जाती है, बहुत सारे बीमारियां खुद को ही डायग्नोसिस कर लेता है पेशेंट। जैसे कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी समस्या है जो समाज के लगभग 30% लोगों को सफर करता है। कॉन्स्टिपेशन जनरली इग्नोर कर देता है आदमी, उसको बहुत सीरियस नहीं लेता है, लेकिन हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, बॉडी को डिस्टर्ब करता है। हम कुछ भोजन लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, प्रोपगेट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, डिफिकेस्ट करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है जिसमें डिस्टर्ब होता है, बहुत सारे सिस्टम पूरी बॉडी के सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। इसको हम ठीक करने के लिए जब बच्चा हमारा पैदा होता है शुरुआती दिनों में तो माँ का दूध सर्वोत्तम होता है। उसमें बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जो आपके गट का माइक्रोफ्लोरा को मेंटेन करता है, बनाता है। माइक्रोफ्लोरा यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ट्रिलियन एंड ट्रिलियन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द GI ट्रैक्ट हमारे हेल्थ में सहायता करते हैं, पाचन के रूप में या बहुत सारे फैटिक एसिड को बनाने में, विटामिन को बनाने में, या उसके ट्रैफिक लेवल पे यानी GI ट्रैक का जो एपिथेलियल लेवल उसको मजबूत करने में सहायता करता है। लेकिन जब उसको डिस्टर्ब हो जाता है किसी बीमारी से या किसी एंटीबायोटिक से तो हमें प्रोबायोटिक्स लेना पड़ता है। अब इसको ठीक करने के लिए हमें भोजन में जो फैट, जो मेजॉरिटी जो फैटी फैट्स को हमें या आयली चीजों को कम करना होता है, प्रोटीन को बढ़ाना होता है, 25% लगभग फाइबर्स डाइट को इम्प्रूव करने से हमारे हेल्थ में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो नेचुरल प्रोबायोटिक्स हैं जो अगर दही जो एक ऐसा चीज़ है, नेचुरल प्रोबायोटिक्स होती है जो बहुत ज़्यादा बीमारियों में फायदा करता है, पेट की बीमारियों का फायदा के साथ साथ बहुत सारे सिस्टम को इम्यूनोलॉजी को बढ़ाता है। जो 70% ऑफ द इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम है जो GI ट्रैक्ट में होता है। तो हमें खान पान, एक्सरसाइज हैबिट्स को सही करके, पूरी नींद को लेकर शांति से सरलता से अपने जीवन को सही चला सके, यह हम आशा और आशा करते हैं कि आप सब इस डिस्कशन से फायदा होगा आम पब्लिक को, जिससे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे और चिकित्सक से जरूरत पड़ेगी दिखाएंगे, इलाज करेंगे। इसी के साथ अपनी बातों को समाप्त करते हुए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।